पेशावर की शान, पठानों की पहचान, चार सदा इंटरचेंज और एमन मोटरवे से करीब, नोवा ग्रुप, रावड़े सासोदा पारा, नोवा सिटी, पेशावर। लग्जरी, अफोर्डेबिलिटी, प्राइम लोकेशन, बेसिक एमेनिटीज और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मगर कैसे? ये सब बताने से पहले आपको करना होगा हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप हमारे साथ अपडेट रहें। अस्सलाम वालेकुम, विरासत रियल एस्टेट की जानिब से मैं हूँ इकरा मुगल। मर्दान रोड से 7 मिनट, चार सदा सिटी से 11 मिनट, बाजा खान यूनिवर्सिटी से 16 मिनट, पेशावर शहर से 18 मिनट और रिसालपुर से 23 मिनट, आउ दस्तासो खपल कली, नुखाना पनी मा गेंटे फासले बांदे, नोवा सिटी, पेशावर। हजार कनाल के रकबे पर मुहित ये प्रोजेक्ट यानी नोवा सिटी पेशावर, जिसमें फेज़ वन की डेवलपमेंट तो अरूज पर है और फेज़ टू की बात की जाए तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। नोवा ग्रुप की ख़ास बात यह है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी लोकेशन का इंतखाब किया है जो कई बड़े शहरों का और लैंडमार्क्स का सेंट्रल पॉइंट या फिर यूँ कहें कि ज़ीरो पॉइंट है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से नोवा सिटी पेशावर 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स ऑफर कर रहा है, जबकि कमर्शियल प्लॉट्स भी जल्द लॉन्च किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि नोवा पेशावर सिक्योर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे है। तो ये बताने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट्स की अचीवमेंट्स और इस प्रोजेक्ट के ऑनर्स और डेवलपर्स की कंपिटेंसी के बारे में बताना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1 के नोवा ग्रुप ने इस्लामाबाद और लाहौर में जिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया, विरासत.com के प्लेटफॉर्म से उन प्रोजेक्ट्स से जितने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया या फिर बायर्स ने अपने प्लॉट्स बाय किए, वो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 के नोवा सिटी पेशावर की बैलेटिंग एक्सपेक्टेड डेट से बहुत पहले यानी 23 मार्च 2022 को कर दी गई है और इन्वेस्टर्स और बायर्स को उनके प्लॉट्स भी अलॉट कर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे अहम पॉइंट भी है और नोवा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्थी और कंपिटेंसी की भी तस्दीक करता है, जनवरी 2022 में नोवा सिटी पेशावर फेज़ 1 की अनाउंसमेंट की गई, मार्च 2022 में नोवा सिटी की बैलेटिंग अनाउंस की गई और ठीक 1 माह बाद बैलेटिंग के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए गए और इसके साथ ही TMA यानी तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी की जानिब से नोवा सिटी को लीगल स्टेटस यानी अप्रूवल नंबर भी अलॉट कर दिया गया। नो नोड़ बिया सागवाड़े, अभी फ़ोन उठाएं और नोवा सिटी पेशावर में बाएतमाद इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें। मज़ीद मालूमात और तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए।